Hello everyone, welcome to Global Online University. There is a one good news for all of you that Global Online University has started mock test series for the paper 1 for upcoming exam May 2021. What you will get in test series? Every day ek mock test morning diya jayega. Per test mein 50 MCQ honge. Unit wise test, full coverage of unit, कवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे. देर आर सम रूल्स ऑफ द टेस्ट सीरीज. पॉज द वीडियो व्हेन क्वेश्चन अपीयर ऑन द स्लाइड एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. देर इज 2 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड देर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द क्वेश्चन. राइट योर आंसर स्कोर इन द कमेंट बॉक्स. इफ यू आर गेटिंग मोर देन 80, दैट मीन्स यू आर डूइंग वेरी वेल जॉब एंड इट इज आउटस्टैंडिंग. इफ you are getting 60 or above 60, that means you are doing good job. And if you are getting 40 marks, that is you are on average and you have to prepare more. Isme se kaun sa teaching ka desirable outcome hai in higher education system? And options are increase in student achievement, increase in level of independent thinking of students, higher percentage of result, and increase in number of a student who opted for the subject. The most desirable outcome of teaching in higher education level is increase in level of independent thinking of the student. Books can be powerful source of communication provided, and options are the content is abstract, the content is illustrative, the medium is Hindi, the content is presented through good print. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. द कंटेंट इज इलस्ट्रेटिव. अगर कोई बुक इलस्ट्रेटिव है तो स्टूडेंट इजिली अंडरस्टैंड हो सकते हैं उस कंसेप्ट को. इसमें से कौन सा एक बेस्ट ऑप्शन है जो गुड टीचिंग को रिफ्लेक्ट करता है? एंड ऑप्शंस आर अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन, मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीनिंगफुल क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट. इससे पता चलता है कि स्टूडेंट को कितना पता चला है उस कंसेप्ट के बारे में. क्लासरूम टीचिंग की मेन एम क्या होती है? एंड ऑप्शंस आर टू गिव इंफॉर्मेशन, टू डेवलप इंक्वायरी माइंड, to develop personality of students, to help student pass examination. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू डेवलप इंक्वायरी माइंड. इससे स्टूडेंट की थिंकिंग पावर बढ़ जाती है. स्टूडेंट्स किस तरह के टीचर को प्रीफर करती है? एंड ऑप्शंस आर डिक्टेट नोट्स इन द क्लास, गिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्जामिनेशन, कैन क्लियर देयर डिफिकल्टीज रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, are themselves disciplined. Students prefer those teachers who can clear their difficulty regarding subject matter so that there will be no doubt in the mind of student. Which of the following is the main objective of teaching? And options are to give information related to the syllabus, prepare the students for examination, help the student in getting job, to develop the thinking capability of the students. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग इज टू डेवलप द थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट सो दैट द स्टूडेंट कैन थिंक ऑफ देयर ओन. एक इफेक्टिव टीचर किस बात को एंश्योर करेगा? एंड ऑप्शंस आर कॉर्पोरेशन अमंग हिज स्टूडेंट, लाइजेस फेयर रोल, कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट, कॉम्पिटिशन और कॉर्पोरेशन एज द सिचुएशन डिपेंड. एक इफेक्टिव टीचर और एक अच्छा टीचर सिचुएशन को देखते हुए कॉम्पिटिशन और कॉर्पोरेशन का डिसीजन लेगा. अ न्यू टीचर टू स्टार्ट विथ विल हैव टू. एंड ऑप्शंस आर एनफोर्स डिसिप्लिन इन क्लास, एस्टैब्लिश रिपोर्ट विद द स्टूडेंट्स, कट जोक्स विद द स्टूडेंट्स, टेल द स्टूडेंट्स अबाउट हिज क्वालिफिकेशन. A new teacher to start with will have to establish rapport with the students. Effective teacher बनने का सबसे कम मौका किसके पास है? And options are
one who is strict disciplinarian, one who know his subject well, one who has no interest in teaching, one who teach moral values. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन टीचिंग। विदाउट हैविंग अ इंटरेस्ट वन कैनॉट बिकम इफेक्टिव टीचर। अ टीचर कैन एस्टैब्लिश रैपोर्ट विद स्टूडेंट बाय प्लेइंग द रोल ऑफ गाइड हु डिजायर टू हेल्प देम, बिकमिंग द फिगर ऑफ अथॉरिटी, इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट्स विद नॉलेज, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रूल्स। So the correct answer of this question is option number A, playing the role of a guide who desire to help them. Teaching quality ko kaise assess kiya ja sakta hai? And options are by the result in annual exam, by the attendance of the students, by the quality of interaction of the students in the class, by the silence in the class. Student kis tarah class mein interact hote hai? इस क्वालिटी को देखते हुए टीचिंग क्वालिटी को असेस किया जा सकता है। Which of the following is the least important aspect of teacher's role in guidance of the learning? The development of insight to overcome the pitfalls and obstacles, to development of insight into what constitute an adequate performance, the provision of encouragement and moral support, the provision of continuous diagnostic and remedial help. The correct answer of this question is option number A, the development of insight to overcome the pitfalls and obstacle. इसमें से कौन सा एक मेन रोल नहीं है टीचर का एट द हायर एजुकेशन लेवल? एंड ऑप्शंस आर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन द स्टूडेंट्स, एनकरेज हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट्स, हेल्प द स्टूडेंट टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम। पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करना टीचर का मेन रोल नहीं होता है एट हायर एजुकेशन लेवल। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ इंटरेक्शन इन लॉजिकल ऑर्डर, एनालिसिस ऑफ वर्क डन, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी भी एक्टिविटी में प्लानिंग एंड प्रिपरेशन जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है, then will be the presentation of material, then will be analysis of work done, and last step will be modification and improvement. इसमें से कौन सा एक statement effective teaching में नहीं आता है? And options are, a teacher teach in enthusiasm, a teacher find fault in his student, a teacher put emphasis more on teaching than on classroom, a teacher is interested in making the subject matter understood rather than completing the course. So the correct answer of this question is option number B, a teacher find fault in his students. अगर student exam में fail हो जाए तो इसमें किसका fault होता है? And options are the teacher, the principal, students themselves. It cannot be generalized. इस question का correct answer है option number D, it cannot be generalized because कभी कभी teacher का भी fault हो सकता है and student का भी fault हो सकता है। A teacher who is not able to draw the attention of his student should, and options are, evaluate his teaching method and improve it, resign from the post, find fault in his students, and start dictating. इस question का correct answer है option number A, evaluate his teaching method and improve it. The primary task of teacher is, and options are, to teach the prescribed curriculum, to stimulate and guide students learning, to provide diagnostic and remedial instructional facility wherever desire, to promote habit of conformity to adult demand and expectations. To stimulate and guide students learning is a primary task of teacher. Which of the following teacher's behavior suggests a dimension of unsuccessful teacher's behavior? A teacher who, and options are, always motivating students, business-like and friendly approach, aloof and focus on routine tasks, understanding and sympathetic. So the correct answer of this question is option number C, aloof and focus on routine tasks. A teacher, and options are, should provide overview of topic to be taught in the class,
should have a good communication skill, should command over his subject and all of the above. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। एक टीचर को ओवरव्यू भी देना चाहिए टॉपिक पर जो भी क्लास में सिखाया जाता है, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए और अपने सब्जेक्ट पर कमांड भी होना चाहिए। इसमें से कौन सी एक न्यू टीचर की डिजायरेबल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एंड ऑप्शंस आर चेंजिंग द कोर्स करिकुलम, कॉर्पोरेट विद द फेलो टीचर डिस्पाइट द डिफरेंसेस, फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्पोरेट विद द फेलो टीचर डिस्पाइट द डिफरेंसेस। द ग्रेटर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर इन बिगिनिंग ऑफ द टीचर लाई इन द एरिया ऑफ, एंड ऑप्शंस आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ द टीचर, टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, द ग्रेटर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर इन द बिगिनिंग फॉर द टीचर्स लाई इन द एरिया ऑफ नॉलेज ऑफ द टीचर। मिरंबका द स्कूल बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय, एंड ऑप्शंस आर एम के गांधी, विवेकानंद, जॉन देवी एंड ऑरोबिंदु। मिरंबका स्कूल जो फ्री प्रोग्रेस एजुकेशन के आइडिया पर बेस है वो एडवोकेट किया था ऑरोबिंदु ने। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर ऑफ सक्सेस फॉर द टीचर इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग करियर इज, ऑप्शंस आर वर्बल फ्लुएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ, पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू क्लासरूम, कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एट द बिगिनिंग ऑफ टीचर करियर इज पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू द क्लासरूम। फ्री टाइम में इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है एक टीचर के लिए इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंड ऑप्शंस आर टेकिंग रेस्ट इन टीचर्स रूम, रीडिंग मैगजीन्स इन लाइब्रेरी, टॉकिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड डूइंग रिसर्च। फ्री टाइम में रिसर्च करना एक टीचर के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टायर्स मॉडल इन करिकुलम, एंड ऑप्शंस आर एम, सब्जेक्ट कंटेंट, टीचिंग इवेल्युएशन। सेकेंड ऑप्शन इज पर्पस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोल। ऑप्शन सी एम ऑफ एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, टेस्टिंग एंड फीडबैक। ऑप्शन डी सब्जेक्ट कंटेंट, टीचिंग, लर्निंग एंड टेस्टिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पर्पस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग, एंड ऑप्शंस गिवन आर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑप्शन टू इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑप्शन नंबर थ्री रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल। ऑप्शन नंबर फोर मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी लेवल, देन विल बी अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन विल बी रिफ्लेक्टिव लेवल। एक्सपीरियंस टीचर को डिटेल लेसन प्लान की जरूरत नहीं होती, एंड ऑप्शंस आर दे कैन टीच मोर इफेक्टिवली विदाउट इट्स हेल्प, देर आर जस्ट फ्यू क्यूरियस स्टूडेंट्स इन द क्लास, द टीचर इज नॉट लाइकली टू फेस एनी चैलेंजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स इवन इफ दे आर रॉन्ग, दे कैन इक्विप देमसेल्फ विद ब्रीफ आउटलाइन एज दे गेन स्पेशलाइजेशन इन इट थ्रू द एक्सपीरियंस। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दे कैन इक्विप देमसेल्फ विद ब्रीफ आउटलाइन एज दे गेन स्पेशलाइजेशन इन इट थ्रू द एक्सपीरियंस। टीचिंग किस मास्टरी पर बेस होती है, एंड ऑप्शंस आर नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, टीचिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल एंड ऑल ऑफ द अबव। टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ ऑल ऑफ द अबव, दैट इज नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, टीचिंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टीचिंग मैक्सिम्स, फ्रॉम द साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल,
from analysis to synthesis, from concrete to abstract, follow nature. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। कंटेंट को इजीली प्रेजेंट करने के रूल्स को क्या कहा जाता है? एंड ऑप्शंस आर मेथड ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग स्ट्रेटजीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? एंड ऑप्शंस आर टीचर, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन एंड पेरेंट्स। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। विथ स्मॉलर क्लासेस टीचर मच मोर एबल टू आइडेंटिफाई लर्निंग प्रोग्राम्स, प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन, अडेप्ट इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचर करियर इज मेरिटोरियस एकेडमिक रेकॉर्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स, वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड स्टूडेंट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ टीचिंग करियर इज वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट्स। इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ, एंड ऑप्शंस आर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, टीचर्स होनेस्टी, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर्स लाइकिंग फॉर द जॉब ऑफ टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। हु सेड दिस? एजुकेशन इज मैन मेकिंग, इट इज दैट बाय कैरेक्टर इज फॉर्म, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज, इंटेलेक्ट विथ एक्सपांडेड एंड बाय विच मैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। एंड ऑप्शंस आर स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टागोर, स्वामी दयानंद सरस्वती एंड नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। टीचिंग स्टार्ट करने से पहले टीचर क्या करता है? एंड ऑप्शंस आर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रिपेरेशन ऑफ टीचिंग लेसन प्लान, नो द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रायर टू टीचिंग, इसमें से क्या इफेक्टिव टीचिंग में इंक्लूड किया जाता है? टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट्स मे और मे नॉट बी एक्टिव, टीचर मे बी एक्टिव और इनएक्टिव बट स्टूडेंट्स आर एक्टिव, टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव एंड ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव। द मोस्ट एक्सेप्टेड इमीजिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज, एंड ऑप्शंस आर चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, बिल्डिंग कैरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट्स, गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द जॉब। द मोस्ट एक्सेप्टेड इमीजिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचिंग एफिशियंसी इज मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल्स, mastery over use of different technique of teaching, mastery over appropriate use of media and technology in teaching and all of the above. The correct answer of this question is option number D, all of the above. Isme se kaun sa statement galat hai? And options are a good communicator cannot be a good teacher, a good communicator has good sense of humor, a good communicator has a wide reading knowledge, a good communicator has command over language. A good communicator cannot be a good teacher, ye statement galat hai because a good communicator can be a good teacher. A teacher is successful only if he know his subject truly well, produce 100% result, is approachable, publish paper in journal of repute. एक टीचर सक्सेसफुल होता
सकता है अगर वो अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानता है। इफ अ टीचर वॉन्ट टू एनहेंस हिज इनकम ही शुड टीच इन कोचिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द एक्स्ट्रा टाइम, टेक मोर रेमुनरेटिव वर्क इन द स्कूल और द कॉलेजेस, ज्वाइन कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट अदर देन टीचिंग एंड राइट बुक्स। इफ अ टीचर वॉन्ट टू एनहेंस हिज इनकम ही शुड राइट बुक्स। एज अ प्रिंसिपल यू विल एनकरेज योर टीचर कलीग्स टू पार्टिसिपेट इन सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस इन इंडिया एंड अब्रॉड, पार्टिसिपेट इन रिफ्रेश कोर्सेस फॉर एनहेंसमेंट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज, डूइंग कम्युनिटी सर्विसेज फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउनट्रोडन एंड ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन हेल्प द टीचर inculcate social and moral value among the students, and options are delivering lecture on values, showing TV programs, involving student activity in co-curriculum activities, observing religious festivals. The correct answer of this question is option number C, involving students activity in co-curricular activities. Ek teacher effective communicator ban jata hai if he use instructional facilities, he helps students get meaning out of what he teach, he asks question in between teaching, he helps students get correct answer to the question on the topic. The correct answer of this question is option number B, he helps students get meaning out of what he teach. Teaching in higher education implies, options are presenting the information given in the textbook, asking question in the class and conducting examination, helping students prepare for the past examination, helping students to learn. Teaching in higher education implies helping students to learn. Teaching will be effective if teacher is the master of the subject, has much experience in teaching the subject, start from what students know already, uses many instructional facilities. The correct answer of this question is option number C. Teaching will be effective if teacher starts from what students know already. इसमें से कौन सी method teacher को use करनी चाहिए? And options are analytical synthetic, synthetic analytical, only analytical and only synthetic. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनालिटिकल सिंथेटिक। इसमें से कौन सा ऑप्शन नेचर ऑफ टीचिंग को रिफ्लेक्ट करता है? एंड ऑप्शंस आर, इट इज एन आर्ट, इट इज एन साइंस, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, इट इज नाइदर आर्ट नोर साइंस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस।